हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या अग्रवाल आज आपको ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न बता रही हूँ। ये हम ऐसे की साड़ी में बॉर्डर टाइप भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ा सा, और नीचे हम प्लेन वाला बॉर्डर डाल सकते हैं। तो इसमें ये वाला जो बीच का मोटिफ है, ये बहुत कॉमन मोटिफ है जो हमें हर समय लगता है। तो चलिए इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम ये वाला जो ट्रायंगल है इसको शुरू करते हैं ग्रीन कलर से। चलिए करते हैं। इसके लिए मैंने ग्रीन कलर का थ्रेड लिया है और मैं ये यहाँ से निकाल रही हूँ। इसको करने के लिए क्या करेंगे, ये लास्ट में लेंगे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, है ना, ऊपर से नीचे लग के लास्ट में लेके थोड़ा सा टका लेंगे ये, और फिर यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बांध देंगे, मतलब तिरछा से इसी लाइन पे निकालेंगे, फिर थोड़ा सा दूर में और टका लेंगे ये इस तरह से, फिर इसको एक और बार बांधेंगे यहाँ पर, फिर ये कॉर्नर से निकालेंगे ये, फिर इधर से लेंगे थोड़ा सा बड़ा टाका ले लेंगे, इसको हमें बीच बीच में बांधने का काम करना है ये, यहाँ से लेंगे। हर बार अपना स्पेस हम बदल रहे हैं, कहीं कभी थोड़ा कम कभी ज़्यादा, ऐसे करके ये ले लेते हैं ये। अगर हमने छोटा टाका लिया तो हम दो बार बांधेंगे, यहाँ से एक और बार लेंगे, और अगर हमने बड़ा टाका लिया बीच तक तो हम एक बार में बांध सकते हैं ये इस तरह से। अगर बीच में लिए हैं टाका को तो हम एक बार बांधेंगे बस ये यहाँ से, और अगर हम छोटा टाका ले रहे हैं जैसे कि ये लेती हूँ मैं इतना, तो हम इसको दो बार बांधेंगे यहाँ और फिर एक और बार ये। तो आप इसको छुएंगे ना ऐसे तो देखेंगे भी बिल्कुल एकदम आपको फाइन लगना चाहिए, चिकना सा। अगर इसको सिंगल थ्रेड से करेंगे तो एक आपको पेंटिंग का लुक देता है, इतना अच्छा से ये एम्ब्रॉयडरी होती है। सिंगल थ्रेड से करते हैं रेशम के ये, इस तरह से इसको बांधते जाएं देखिए हमारा ये वाला बन गया है। ये ग्रीन की जो पत्तियाँ हैं वो भी मैंने इसी पैटर्न से बनाई हैं, बीच बीच में बांध के। अभी हम सिंधी कढ़ाई से, हम सिंगल डबल सिंधी टाके से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दूर से लेंगे और इसको यहाँ तक लाके, पहली लाइन जो है हमारी यहाँ पर ख़त्म हो रही है थोड़ा सा आगे जाके। अब हम जब सेकेंड लाइन लेंगे तो इसके ट्राइंगल बनाएंगे इसको, और धागा हमारा फर्स्ट में जब हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो धागा ऊपर रख के हम सेकंड लाइन को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे ये इस तरह से, ठीक है। अब हम थर्ड लाइन शुरू करेंगे यहाँ से ट्रायंगल बना के, तो हमें धागा देखना है कि ऊपर है कि नीचे। तो ये देखिए लाइन किस तरह की बनने वाली है, थर्ड लाइन ये वाली राइट हैंड साइड को जा रही है ना, इस तरह से जाएगी ये लाइन। तो हम इसके इस कॉर्नर के पैरेलल कॉर्नर को देखेंगे, ये वाला, यहाँ पर दो लाइन मिल रही हैं, यहाँ पर बनी नहीं है इस तरह की लाइन, पैरेलल लाइन, तो हम इसको देखेंगे। तो ये नीचे, यहाँ पर जो लाइन आएगी ऊपर, यहाँ फिर ये धागा क्या जाएगा नीचे, इस तरह से हम इसको देखते हैं। अब ये लाइन पूरी बना देंगे और फिर दूसरा टाका निकालेंगे ट्रायंगल का, फिर यहाँ पर हमारा देखिए ये ऊपर है और यहाँ नीचे आएगी लाइन, तो ये ऊपर जाएगा, अब ये नीचे। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर में ऊपर रख रहे हैं और नीचे में क्या कर रहे हैं, ये नीचे में अंदर डाल रहे हैं अपने थ्रेड को, ये अंदर डालें, हाँ ऊपर में क्या किए, धागा हमारा ऊपर जा रहा है और नीचे में ये अंदर जा रहा है
ये इस तरह से। अब देखिए हमें ये वाला पोर्शन मिल रहा है बड़ा सा, तो हम इस लाइन को कहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ तक। अब हमारा ये धागा कैसे जाएगा ये देखना है, तो ये कैसे जा रहा है, इस तरह से, ऐसे है ना, इसके पैरेलल लाइन का कोना ये ऐसे बनेगा। तो ये वाले अभी क्या है, यह इसके धागा बना नहीं है, यहाँ भी धागा बना नहीं, तो इसको देखेंगे ये क्या है, ऊपर, फिर यहाँ जाएगा नीचे, फिर इधर ऊपर, यहाँ नीचे, इस तरह से हमारा धागा हमें समझ आ रहा है। यहाँ भी हम नीचे डालेंगे, क्योंकि नीचे इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ ऊपर है, ये डालेंगे अंदर और फिर इसको ऊपर रखेंगे और यहाँ तक आएंगे, यहाँ हमारा धागा अंदर। फिर अब ये बड़े पोर्शन में हमें जाना है, यहाँ तक लेंगे थ्रेड को, अंदर डालेंगे, फिर इस तरफ, यहाँ हमारा थ्रेड गया। देखिए ये क्या है, ऊपर, ये वाली लाइन ऊपर, यहाँ जो आएगा नीचे, तो ये धागा क्या जाएगा, ऊपर। बस आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ यहाँ हमारा थ्रेड ऊपर जाएगा, यहाँ ऊपर, यहाँ ऊपर, फिर यहाँ पर हम अंदर डाल देंगे और इसको लेंगे, यहाँ हमारा थ्रेड ऊपर रहेगा, यहाँ ऊपर रखेंगे, यहाँ ऊपर रख के यहाँ नीचे अंदर डाल देंगे, ये थोड़ा सा लेंगे ऊपर, यहाँ भी हमारा धागा ऊपर जा रहा है, यहाँ भी ऊपर जाएगा और ये अंदर जाएगा, फिर यहाँ ऊपर रखेंगे ये वाले पोर्शन में और इस तरफ आएंगे, ये अब हम अंदर डाल देते हैं यहाँ, फिर इसको लेंगे ये यहाँ अंदर। देखिए ये अंदर क्यों डाला, क्योंकि ये ऊपर है, इसकी पैरेलल लाइन ये वाली, तो ये अंदर, फिर यहाँ ऊपर, यहाँ हमारा धागा अंदर जाएगा, इस तरफ ले लेते, ये लेंगे अंदर, फिर यहाँ भी अंदर, यहाँ लेंगे, यहाँ अंदर डालेंगे और फिर ये लेते हैं, ये भी अंदर जाएगा, यहाँ अंदर डालेंगे, फिर ये बीच में ऊपर, यहाँ हम ऊपर रखेंगे, बीच में अंदर डालेंगे, यहाँ हमारा अंदर जाएगा क्योंकि ये ऊपर है, यहाँ लेते हैं, यहाँ अंदर और ये बीच में ऊपर, ये लेंगे अंदर, इस तरफ आते बीच में, फिर ये ले लेंगे। मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं, ये लेंगे और ये अंदर डालेंगे। अब हमारा ये वाला पोर्शन बनेगा, इसको देखते हैं, ये यहाँ ऊपर जा रहा है हमारा धागा पूरा, ये अब अंदर, यहाँ ले लेते हैं, ये यहाँ अंदर, फिर ये यहाँ ऊपर रखेंगे ये और इस तरफ लेंगे, यहाँ अंदर, यहाँ नीचे डालेंगे हम अपने धागे को और फिर इधर भी नीचे डालना है तो पहले ही अंदर डाल देते हैं, यहाँ भी नीचे जाएगा, अब ये यहाँ पर ऊपर रखेंगे और इस तरफ निकालेंगे, यहाँ हमारा धागा अंदर जाएगा, इस तरफ लेते हैं, यहाँ अंदर,
यहाँ पहले ही अंदर डाल देते हैं और ये ऊपर रखेंगे। फिर इस तरफ आते हैं, अंदर रखेंगे थ्रेड को, यहाँ अंदर यहाँ अंदर डालते हैं और यहाँ ऊपर अंदर डालेंगे। देखिए ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, इसलिए यहाँ ये, फिर अंदर और यहाँ लेते हैं, यहाँ हमारे धागा, ये देखिए ये नीचे है तो ऊपर और फिर ये अंदर, इस तरफ आते हैं, ये अंदर, यहाँ लेंगे ये लेंगे और ये नीचे, ये इस तरह से इसका ये कच्चा टाका कंप्लीट होता है। फिलिंग हम मैंने काफ़ी सारी वीडियो में सिखाई है, लेसन 23 में आप देख सकते हैं फिलिंग का तरीका, सब में सेम रहता है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।